उमात्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजाते विषयोग भोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्त्रोत्राणि सर्वागिरौ यद्यत् कर्म करोमि तत्तत् अखिलं शंभो तवाराधनम। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। ग्रहों का योगायोग क्या कुछ ग्रह आपके लिए बना रहा है, जनवरी के मध्य काल में स्थिति ग्रहों की कैसी रहेगी, ये आपको समझ लेनी चाहिए। जनवरी का मध्यकाल बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन की तरफ जा रहा है। मकर में जाएंगे सूर्य परिवर्तन का महत्वपूर्ण योग बनेगा, आपके विशेष तौर पर बुद्धि वाले भाग में चले जाएंगे और बुद्धि में सूर्य जाने से बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन का योग बनता है। साथ साथ मंगल भी परिवर्तन की तरफ जाएंगे। मंगल आपके चतुर्थ भाव में चल रहे हैं और चतुर्थ के मंगल कई प्रकार से बड़े महत्वपूर्ण होते हैं और बहुत स्वस्थ समझे काम करने का प्रयास करना चाहिए। मंगल उदय होंगे तो आपके अंदर नई शक्ति का संचार करेंगे, लेकिन ये नई शक्ति का संचार कई बार नेगेटिव ना हो जाए, क्योंकि मंगल करीब 6 महीने से अस्त चल रहे थे सूर्य के साथ और अब चतुर्थ भाव में चल रहे हैं और चतुर्थ भाव में आते ही लोग आप कई प्रकार से विशेष तौर पर कुछ लोगों के साथ क्लैश होने के योग बन सकते हैं, तो ऐसे में ध्यान रखते हुए कार्य करना है। इसके साथ साथ शुक्र भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, शुक्र मंगल का योग बन रहा है। कुछ गलत दोस्तों की संगत, गलत लोगों का साथ आपका नुकसान कराने के योग बना सकता है, धोखा मिल सकता है। कहाँ कहाँ ग्रहों का योगायोग क्या कुछ करने के योग दे रहा है, ये सब आपको सिलसिलेवार तरीके से समझ लेना चाहिए। देखिए, संक्रांति का योग बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए। इस बार संक्रांति जो है वो रविवार को पड़ रही है और बहुत सुंदर योग बना रही है, और रविवार के दिन संक्रांति जब पड़ती है, कहा जाता है कई प्रकार के कष्टों को दूर करने के लिए, सूर्य के कष्टों को दूर करने के लिए, सूर्य से संबंधित समस्याओं यदि जीवन में चल रही हैं, लग्न में सूर्य है या सप्तम भाव में सूर्य है, परिवार में कष्ट देने के योग बना रहा है सूर्य, यदि छठे भाव में, आठवें भाव में, बारहवें भाव में सूर्य है, तो कई प्रकार के योग जो बनते हैं उन सबको पूरे वर्ष को ठीक करने के लिए बड़ा सुंदर योग बन जाता है। वो सारी बातें सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बताएंगे इस बार ग्रहों का योगायोग क्या कुछ करने वाला है आपके लिए। इसके साथ साथ यदि हम एक बात और सोचें, व्यापक तौर पर समझने की ज़रूरत है कि इस बार जो सूर्य की संक्रांति हो रही है रविवार को पड़ रही है, बड़ा सुंदर योग, हृदय नाम का योग बन गया, लेकिन समस्या ये है कि 6 महीने बाद जब कर्क संक्रांति आएगी वो भी रविवार को पड़ रही है। शास्त्र कहता है कि जब 2 महीने यानी कर्क और मकर संक्रांति रविवार को पड़ जाएं तो राज्य के लिए बड़ा भारी हो जाता है, राजनेताओं के लिए बड़ा भारी हो जाता है, और ऐसे में इस देश के अंदर 6 महीने में बहुत कुछ परिवर्तन की तरफ जाने वाला है, और ऐसे में ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है, तो ये योग प्राकृतिक आपदाओं का योग देता है, दुर्घटनाओं का योग देता है, जमीन के ऊपर भी, हवा में भी और जमीन के अंदर भी, ये कई प्रकार की यानी खान यान सब कई प्रकार के कष्ट देने के प्राकृतिक आपदाओं के योग, भूकंप इत्यादि के योग बन सकते हैं। ऐसे में सावधानी के साथ हम सबको चीज़ों को समझना चाहिए। राजनेताओं के लिए तो ये समय बड़ा विकट है, आपके भाग्य में क्या कुछ होने के योग हैं वो तो आपकी जन्मपत्री बता ही रही होगी, ऐसे में आपको बहुत चीज़ों को विचार करते हुए कार्य करने की जरूरत कर लें। जनवरी के मध्य भाग में क्या कुछ होने के योग हैं आपकी राशि के अनुसार से कन्या राशि वालों को समझ लेना चाहिए। 11 जनवरी को अमावस्या की तिथि है, बृहस्पतिवार का अवसर है, धनु राशि में चंद्रमा का योग है और ये आपके लिए अनुकूल है, अच्छा है, आगे बढ़ने के योग बनाएगा। लेकिन सूर्य के साथ चंद्रमा, मंगल के साथ सूर्य, मंगल और ये योग जो एक साथ हैं ये थोड़ा सा भारी पड़ सकता है, इसके निमित्त तो कुछ उपाय करने की ज़रूरत है। हो सके तो ब्राह्मणों को कुछ वस्त्र इत्यादि का दान करें, ये अच्छा रहेगा। अमावस्या है उस दिन, तो एक काम करें विशेष तौर पर अपने पितरों के निमित्त तर्पण, उन गायत्री का यज्ञ, ये सब करने से बहुत सुंदर तरीके से आपके पितरों का आशीर्वाद भी मिलेगा, तो हर अमावस्या पर अवश्य ये कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। 12 जनवरी को प्रतिपदा है, पक्ष परिवर्तन हो रहा है और ये कृष्ण पक्ष खत्म हो गए, शुक्ल पक्ष आरंभ हो रहा है, तो शुक्रवार का योग पड़ रहा है, मंगलवार मकर में चंद्रमा भी प्रवेश कर रहे हैं, ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण भी हो गया है, तो नए कार्य को करने के लिए दिन अच्छा दिखाई देता है। साथ साथ ग्रह दिखाते हैं आपके लिए कि आपको अपनी चाल में मस्त होकर काम करने का प्रयास करना चाहिए। लाख लोग बुरा चाहें लेकिन कुछ नहीं होगा, आप अपने मस्त तरीके से काम करने का प्रयास कीजिए। सुंदर तरीके से ग्रह आपकी सपोर्ट करने के योग सुंदर बना रहे हैं, आप आगे बढ़ते हुए कार्य करेंगे तो सुंदर रहेगा, लेकिन फिर भी मन में ऐसा रहेगा कि अननेसेसरी क्या वीतरागिता कुछ परेशान करेगी, तो उसके लिए कुछ उपाय कर लें वो अच्छा रहेगा। गौ पूजन करें, गाय के निमित्त कुछ गौशाला में पालक इत्यादि भिजवा दीजिए, ये सुंदर रहेगा आपके लिए। 13 तारीख को लोहड़ी का पर्व है, शनिवार का अवसर है, ग्रहों का योगायोग आपके अनुकूल है, तो आपकी स्थिति आगे बढ़ने की स्थिति अच्छी रहेगी, आप अपनी चाल में मस्त रहते हुए काम करना करेंगे तो सुंदर है। ऐसे में लोहड़ी के समय में एक उपाय कर लीजिए, थोड़े तिल, थोड़ा चावल, थोड़ी सी राई लेकर अपने सिर पे से वार कर, अपने घर वालों के सिर पे से वार कर
अलग अलग सब अग्नि में समर्पित करें। ओम नमः शिवाय का जप करते हुए देखिए, कहा जाता है कि एक ही दिन आता है साल में अपनी नज़रों को उतार नज़र इत्यादि के दोषों को उतारने के लिए, पूरे वर्ष के कष्टों को दूर करने के लिए ये सुंदर उपाय आप कर लीजिए, कल्याण के योग बनेंगे, बहुत सुंदर तरीके से कष्ट दूर होंगे आपके। 14 जनवरी को विशेष तौर पर मकर संक्रांति का योग पड़ रहा है, लेकिन संक्रांति का पुण्य 15 तारीख को रहेगा। कारण यह है कि संक्रांति जो हो रही है, योग जो सूर्य परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, वो सुबह 4:44 पे जा रहे हैं, तो यानी मध्यरात्रि के उपरांत ही योग बन रहा है अगले दिन, तो फिर उसका पुण्य तो अगले रहेगा, लेकिन संक्रांति सूर्योदय से पहले होने के कारण से संक्रांति तो है। तो रविवार के दिन संक्रांति जो होती है वो विशेष तौर पर ग्रह योग बनाती है, हृदय नाम का योग। अब सूर्य संक्रांति जो है वो बहुत ही सुंदर बन रही है, जो हो रही है मकर संक्रांति रविवार के दिन, तो कहा जाता है कि ये दिन वो है कि जब गंगा स्नान कर लेने से समस्त प्रकार के कष्ट दूर हो जाते। इसी दिन भागीरथ गंगा को लेकर गंगा सागर में पहुंचे थे और अपने पितरों को मुक्ति कराने का साधन बनाया था, तो ऐसे में गायत्री का यज्ञ बहुत सुंदर रहेगा, कष्ट दूर करने वाला रहेगा। रविवार को योग पड़ गया है, हमने भी आश्रम पे बहुत बड़ा यज्ञ रखा है इसमें सूर्य शांति का योग करने के लिए, सुंदर तरीके से लाभ देने के लिए, तो ऐसे में आप लाभ लीजिए। विशेष तौर पर आश्रम में जुड़ सकते हैं, उस यज्ञ में सम्मिलित हो सकते हैं, सुंदर तरीके से कल्याण के योग बनेंगे। सूर्य का परिवर्तन आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा, लेकिन संतान का ध्यान रखना है आपको। एक महीने के लिए ग्रहों का योगायोग संतान पर थोड़ा भारी दिखाई देता है, तो उसको ठीक करने के लिए विशेष तौर पर अन्न का दान, संतान के निमित्त कुछ पूजा पाठ, नित्य प्रति सूर्य का दर्शन करना, ये सब करके आप लाभ ले सकते हैं। ध्यान रखते हुए कार्य करें। नए कार्य करने के लिए दिन अच्छा नहीं है, क्योंकि इस दिन चतुर्थी क्षय है, तो नए मुहूर्त नए कार्यों को करने से बचना चाहिए। कई लोग अनजाने में विशेष तौर पर मकर संक्रांति को देखकर नया मुहूर्त करने की सोच लेते हैं, तो वो ठीक नहीं रहेगा, वो मुहूर्त शुभ नहीं रहेगा। 15 तारीख को विशेष तौर पर मकर संक्रांति का पुण्य रहेगा, तो इस दिन सुबह सुबह कोशिश ये करें ग्रह योग आपके विशेष तौर पर ग्रह योग स्थिति देखें, तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से समय भारी दिखाई देता है। चंद्रमा का छठे भाव में चले जाने के कारण से अननेसेसरी के थोड़े से भारीपन, ग्रह योग भारी बन जाते हैं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, और ध्यान रखते हुए कार्य करें। संक्रांति का पुण्य है, तो कोशिश ये करें गुड़ का, रेवड़ी का, तिल का, ये सब कपड़ों गर्म वस्त्रों का दान करना, गर्म ऊनी वस्त्रों का दान करना आपके लिए अच्छा रहेगा, तो ये सब कर आप ग्रहों को अनुकूल कर सकते हैं अपने लिए। 16 जनवरी का ग्रह परिवर्तन की स्थिति उत्पन्न कर रहा है, मंगल भी उदय होने जा रहे हैं, चंद्रमा भी परिवर्तन की तरफ चले गए हैं, और ये परिवर्तन आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण योग बना रहा है, और ये आपके लिए पॉजिटिव शक्ति का संचार करेगा, और बहुत सारे नए लोगों से संपर्क साध सकता है, बड़े लोगों से संपर्क साधने का आपको प्रयास करना चाहिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, बेकार के लोग, छोटे लोग, कंजर्वेटिव थॉट वाले लोग, वो आपको नुकसान देने के योग बना सकते हैं, तो उनसे बचते हुए कार्य करें आप तो अच्छा रहेगा। मंगल उदय हो गए हैं, हनुमान जी का पाठ करें, हनुमान जी का विशेष तौर पर हनुमान जी का पूजन करें, यह आपके लिए बड़ा सुंदर उपाय रहेगा। 17 जनवरी और 18 जनवरी को गणमूल नक्षत्र उपस्थित हैं, तो ध्यान रखिएगा रेवती और अश्विनी नक्षत्र विद्यमान है इस दिन। 17 को जो है विशेष तौर पर रेवती नक्षत्र रहेगा और 18 जनवरी को अश्विनी नक्षत्र रहेगा, तो ऐसे में इस दिन जो जातक जन्म लेते हैं उनकी मूल शांति अवश्य होनी चाहिए, नहीं तो जातक जीवन में बड़ा भारी कष्ट पाते हैं और परिवार के लिए भारी रहते हैं, तो ऐसे में ध्यान ने जिसकी भी मूल शांति कराई, उसके बाद ग्रहों का परिवर्तन का योग बना, और बहुत बड़ी बड़ी यूज में जाके लोग परिवर्तन कराने के लिए मूल शांति का यज्ञ कराते हैं, और उसके बाद देखते हैं कि पहले ग्रह नुकसान दे रहे थे और फिर सुंदर ग्रह होते हुए भी लाभ नहीं मिल रहा था, तो ये मूल शांति कराने के बाद परिवर्तन आता है, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। 18 जनवरी को ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है, बृहस्पतिवार का अवसर और ग्रहों का योगायोग, बृहस्पति के साथ चंद्रमा का सुंदर योग बन रहा है, लेकिन मन में थोड़ी सी नेगेटिविटी उत्पन्न होती दिखाई दे रही है, उसके निमित्त थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। कोशिश करें पीले रंग का टीका लगाएं, हो सके तो केले का पूजन करें, केले का वितरण कर दें, ये सब चीज़ ठीक रहेंगी। इस दिन ग्रहों का परिवर्तन का योग भी बन रहा है, साथ साथ धनु राशि में शुक्र का प्रवेश हो रहा है, ये एक नई शक्ति का संचार करेगा, ये बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए। मंगल कितने दिन से वीक थे, और ऐसे में शुक्र का मंगल के साथ योग बनाना आने वाले समय में नए लोगों से नई दोस्ती उत्पन्न करने के योग दे सकता है और नई शक्ति का संचार कर सकता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, केवल अपनी अपनी मत चलाएगा, सबको साथ लेके चलना है। ऐसे में हो सकता है कि थोड़ा सा आप एरोगेंट हो जाएं और ज़्यादा उपदेश देना शुरू कर दें, तो बस इस बात का ध्यान रखना है कि सबकी सुने और फिर अपनी बात भी रखें, आपका प्रभाव अच्छा रहेगा, नहीं तो लोग आपको कह सकते हैं कि भाई इनके साथ में काम करने से नुकसान हो सकता है। ऐसी भावना लाने सबको तवज्जो देके काम करने का प्रयास करें तो अच्छा रहेगा। 19 जनवरी को शुक्रवार का अवसर, साथ साथ नौमी तिथि और रवि योग पड़ रहा है, ग्रह आपके विशेष तौर पे थोड़े से इस वक्त नुकसान देने की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं, तो ऐसे में ध्यान रखते हुए कार्य करें, गौ पूजन करें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। 20 जनवरी को ग्रहों का महत्वपूर्ण परिवर्तन रहेगा, उच्च के जो चंद्रमा है वो परिवर्तित होकर भाग्य में चले जाएंगे और ये आपके लिए बड़े उत्थान के योग बनाएंगे।
और आपके मन में धार्मिकता का उदय होगा और बहुत सुंदर तरीके से लाभ के प्रशस्त योग बनते दिखाई देंगे, आगे बढ़ने के मार्ग प्रशस्त हो सकते हैं। तो इस प्रकार से ग्रहों का योग क्या खेल खेल रहा है आपके लिए, वो हम सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। इसके बाद भी आपकी जन्मपत्री में ग्रहों का योग योग कैसा है, उन सबको भी समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। देखिए ग्रहों का योग योग बड़ा विचित्र है, ऐसे में विशेष तौर पर हम सब चीज़ों को समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। जैसे इन दिनों विशेष तौर पर संक्रांति का सुंदर योग बन रहा है, संक्रांति के सुंदर योग पर हमने आपको बताया कार्यक्रम में आप बहुत सारे कार्य उपाय कर सकते हैं, क्योंकि इस बार की संक्रांति जो है रविवार के दिन पड़ रही है और रविवार के दिन संक्रांति जैसे पड़ती है तो वो समस्त प्रकार के कष्टों को दूर करने के लिए आती है। सूर्य कीर्ति का प्रतीक है, यश का प्रतीक है, आपके अंतरात्मा का प्रतीक है। सूर्य यदि कुंडली में अशुभ है, शांत सही जगह पर नहीं है, राहु के साथ है या विभिन्न प्रकार के ग्रहों के साथ अशुभ योग बना रहा है या अशुभ दृष्टि से युक्त है, कहा जाता है सूर्य राहु की युति यदि कुंडली में है तो जीवन भर स्टेबिलिटी देती ही नहीं है। ऐसे में सूर्य का उपाय करने के लिए अनेक उपाय हम समय समय पर करते रहते हैं, कोई माणिक पहने रहते हैं, कई प्रकार के और योग करते रहते हैं, लेकिन ग्रह गोचर के दृष्टिकोण से, मुहूर्त के दृष्टिकोण से जब रविवार के दिन संक्रांति पड़ती है तो जैसा हमने कहा हृदय नाम का योग बनता है, उस दिन अवश्य एक छोटा सा उपाय, एक घंटे का उपाय आपके सूर्य के कष्टों को दूर करने के लिए बहुत सुंदर तरीके से रास्ता बना सकता है। तो आपको ऐसे मुहूर्तों को जाने नहीं देना चाहिए। तो इस बार का संक्रांति बहुत खास लेके आई है और हमने उसी संक्रांति का लाभ लेते हुए विवेकानंद योगाश्रम में बहुत सुंदर तरीके से नवग्रह शांति महायज्ञ, गायत्री महायज्ञ, सूर्य शांति महायज्ञ रखा है, आप सब लोग उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। और कई प्रकार की आश्रम की व्यवस्थाएं हैं, उन सब में आप कार्य कर उन सब में सम्मिलित रूप से अभ्यास कर आप अपने कष्टों को दूर करने का सुंदर योग बना सकते हैं। ये विवेकानंद योगाश्रम कई प्रकार के कार्य हमारे करता है, पिछले 70 सालों से सुंदर तरीके से आश्रम आध्यात्मिक क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहा है। हमारे पिता आचार्य श्री किशोरदेव जी महाराज ने इस आश्रम की स्थापना करी, यहाँ एक बहुत दिव्य प्रतिमा माँ भगवती का शिव विग्रह विद्यमान है जो 1947 में 500 साल पुराना शिव विग्रह है। जब पार्टीशन हुआ वहाँ लोग मंदिर तोड़ रहे थे, ऐसे में एक व्यक्ति मानुभव ट्रंक में बंद करके वो मूर्ति लेके आता है और वही दिव्य मूर्ति आज विवेकानंद योगाश्रम में मुल्तान से आई हुई मूर्ति प्रतिष्ठित है जो 500 साल पुरानी चमत्कारी प्रतिमा है और आप सब भी उनके दर्शन करके लाभ ले सकते हैं। और अमावस्या भी पड़ रही है इन दिनों में, तो अमावस्या की तिथि में भी विशेष तौर पर हमने आश्रम में बहुत सारे कार्यक्रम रखे हुए हैं अपने पितरों के निमित्त। यदि कोई पितृ ऋण समस्या है और उनके लिए गायत्री कराना चाहते हैं तो वो सब भी आश्रम में सुंदर व्यवस्था रहती है, आप उसके लिए बहुत सारे कार्य, तर्पण के कार्य, ब्राह्मण भोजन के कार्य, उन सब सुविधाओं का लाभ हमारे विवेकानंद योगाश्रम के साथ जुड़कर ले सकते हैं। हमारे यहाँ नित्य 8 घंटे करीब यज्ञ होता है हर रोज। आज भी भारतीय संस्कृति यज्ञ प्रधान संस्कृति है और विवेकानंद योगाश्रम में नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ पिछले करीब 50-60 सालों से चलता है। रविवार वाले उस यज्ञ में सब लोग सादर आमंत्रित रहते हैं, कोई शुल्क नहीं लिया जाता। रविवार के उस यज्ञ में भाग लेने से भी आप आइए, स्नान करके शुद्ध तरीके से यज्ञ में बैठें, विशाल भंडारे का कार्यक्रम रहता है, बहुत सारे कार्यक्रम समय समय पर चलते रहते हैं। आप सब भी हमारे इस विवेकानंद योगाश्रम में आकर भारतीय संस्कृति के बहुत सारे चमत्कारों को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। करीब 50 के करीब विभिन्न पुस्तकें भारतीय पराविद्याओं पर आश्रम के द्वारा प्रकाशित की जा गई हैं। इसके अलावा योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद का एक बहुत बड़ा स्वास्थ्य करीब करीब 50 बेड का हॉस्पिटल यहाँ विद्यमान है और यहाँ पर भी बहुत सारे चिकित्सा के दृष्टिकोण से कार्य किए जाते हैं। आप भी इसमें जुड़ सकते हैं। विवेकानंद योगाश्रम पिछले करीब करीब 50 सालों से सामने का काम कर रहा है, तो आप आइए, स्वागत है आपका विवेकानंद योगाश्रम में। धन्यवाद, नमस्कार।